इतिहास गवाह है कि हिंदू मंदिरों पर लगातार विदेशी आक्रांताओं के हमले होते रहे, लेकिन अब हमले वैचारिक हैं। बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ क्यों बताया गया? वास्तविक इतिहास और पुराण क्या कहते हैं? राहुल संकृतायन ने ऐसा कौन सा विश्लेषण किया जिससे यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि बद्रीनाथ धाम वास्तव में बौद्ध मठ है? नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। हिंदू धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ धाम। इसे बद्री का आश्रम और बद्री विशाल भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी, द्वारिका और रामेश्वरम इसके अतिरिक्त अन्य तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम इस समय टारगेट किया गया है कुछ राजनीतिक हस्तियों के द्वारा। बद्रीनाथ धाम वो धाम है जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ है, इसका उल्लेख स्कंद पुराण में हुआ है, भागवत महापुराण में हुआ है, इसका उल्लेख वेदों में हुआ है। ये वो धाम है जिसे मोक्ष का धाम कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां पर प्राचीन इतिहास की अगर बात करते हैं तो जो लामा होते थे, तिब्बती धर्मगुरु जो हुआ करते थे, उनकी तरफ से भी भेंट चढ़ाई जाती थी बद्रीनाथ धाम में, यानी भगवान श्री हरि श्री विष्णु को भेंट चढ़ाए जाने के कई उदाहरण सामने आते हैं, इसका कई जगह उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ धाम जिस जगह पर स्थित है उसके बराबर में, उसके बगल में अलकनंदा नदी बहती है और पुराणों में इस क्षेत्र को अलकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई बहुत विस्तार से वर्णन को देखें तो अलकापुरी के नाम से इस क्षेत्र को संबोधित किया गया है। अगर इतिहास की बात करते हैं तो लगभग 8वीं सदी में, अगर हम सन के आसपास पहुंचे तो 820 ईस्वी के आसपास आदि गुरु शंकराचार्य इस स्थान पर आए थे और एक नारद कुंड है, वहां से एक भगवान श्री हरि या श्री नारायण की या श्री विष्णु जी की मूर्ति को उठाकर उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया था। और उसके बाद यहां पर एक बार फिर से परंपरा शुरू हुई थी पूजा पाठ करने की। पूजा पाठ पहले भी चला करते थे, लेकिन एक कहानी कई बार आती है कि कुछ बौद्ध अनुयायियों ने कुछ मंदिरों को ध्वस्त किया था। इतिहास में इस बात का कई बार वर्णन आता है कि जो कोटद्वार के पास कर्णवाश्रम है, वो भी हिंदुओं का एक प्रमुख स्थल होता था, ज्ञान का एक भंडार वहां पर होता था, और उस क्षेत्र को भी नष्ट करने की कोशिश की गई थी। उसे बाद में फिर नए सिरे से तैयार किया गया है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में मूर्ति कैसे नारद कुंड में थी और नारद कुंड से कैसे वो स्थापित हुई, इसका तो जिक्र है, लेकिन वो मूर्ति नारद कुंड में कैसे पहुंचाई गई, इसका बहुत ज्यादा उल्लेख अभी करना उचित नहीं है। अब ये जानने की कोशिश लगातार की जाती रही कि आखिर ये भ्रम की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, बद्रिकाश्रम कैसे बौद्ध मठ के रूप में जाना जाने लगा, या इस तरीके की आशंकाएं क्यों व्यक्त हो गई। जाने माने इतिहासकार, घुमक्कड़, लेखक राहुल सांकृतायन ने इसका वर्णन कर दिया। कुछ विश्लेषण ऐसा हुआ जिससे ये भ्रम तब से लेकर अब तक बना हुआ है और कुछ राजनीतिक लोग इसी भ्रम की आड़ में राजनीति करने पर उतर आए हैं। भगवान श्री विष्णु बद्रीनाथ धाम में ध्यान मुद्रा में है, योग मुद्रा में है, ऐसी हमारी मान्यता है। और राहुल सांकृतायन ने यह विश्लेषण किया कि यह ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध विराजमान है बद्रीनाथ धाम में। बुधाण पट्टी एक पट्टी है चमोली जिले में, हम सारे लोग जानते हैं उत्तराखंड में पट्टियां होती हैं, और बुधाण पट्टी का विश्लेषण करते हुए राहुल सांकृतायन ने इसे बुद्धांचल या बुधायान करके संबोधित कर दिया अपने लेखों में। और उसके बाद ये भ्रम थोड़ा सा और ज्यादा फैलने लगा कि ये बद्रीनाथ धाम वास्तव में एक बौद्ध मठ है। वैसे हमने जब अपनी खबर की शुरुआत की थी तो पहले ही कहा था कि हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ, प्रमुख मंदिर हमेशा से ही
विदेशी आक्रांताओं के निशाने पर थे और अब ये एक वैचारिक रूप से आक्रमण किया जा रहा है। किसी और धर्म के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर ऐसी घनघोर टिप्पणी कर दी होती तो पूरी दुनिया भर में हंगामा हो गया होता, बवाल मच गया होता और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई नेता अपने बयान के बचाव में उतर आते। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को सतपाल महाराज ने, जो उत्तराखंड के तीर्थाटन धर्मस्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दे दिया है। हम भी अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं इतिहास और पुराणों के माध्यम से। पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, हमारे ऋग्वेद में क्या लिखा है, हमारे पुराणों में क्या लिखा है और इतिहास किन किन चीजों का गवाह है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी तक इतिहास नहीं पढ़ा है तो वो इन तथ्यों को देख सकते हैं। मेरे अलावा भी इस संदर्भ में कई वीडियोस उपलब्ध हैं, उनसे अपनी जानकारी दुरुस्त स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं। साथियों अभी के लिए इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।